फ्रेंड्स, आज अपन बात करने वाले रिलायंस ऑयल पेट्रोल पंप कैसे खोले। तो हाउ टू ओपन रिलायंस ऑयल पेट्रोल पंप, इन्वेस्टमेंट कितना लगने वाला है, उसके बाद में लैंड रिक्वायरमेंट क्या है और प्रॉफिट मार्जिन कितना है, और हाउ टू अप्लाई यानी कि अप्लाई कैसे करें। रिलायंस कंपनी, अबाउट दी कंपनी यानी कि कंपनी के बारे में, वैसे तो आप इस कंपनी को सभी जानते हैं, लेकिन ज़्यादा जानकारी के लिए आपको बता दें कि रिलायंस एक पेट्रोल विक्रेता है, लेकिन इनके पास कस्टमर ज़्यादा होने के कारण इसकी मांग बहुत ज़्यादा है और इसकी आपूर्ति करने के लिए रिलायंस ज़्यादा से ज़्यादा पेट्रोल खुलवाकर अपनी फ्रेंचाइजी यहाँ पर देती है। अगर कोई पर्सन इस कंपनी के साथ में जुड़ के काम करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत ही अच्छा मौका है। अभी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे तो पेट्रोल पम्प शुरू करने के लिए आवेदक को 1 करोड़ से लेकर 1.5 करोड़ रुपए का टोटल खर्चा हो जाएगा। उसके बाद में इन्वेस्टमेंट लोकेशन के ऊपर डिपेंड करती है और पेट्रोल पंप खोलने के लिए सरकारी एजेंसी से कानूनी मंजूरी यहां पे लेनी पड़ती है। कानूनी मंजूरी के तौर पर रिटेल में पेट्रोल बेचने के लिए अपने को यहाँ पर पूरी यहाँ पर प्रोवाइड कर देती है। अब यहाँ पे देखेंगे लैंड रिक्वायरमेंट यानी कि इसके लिए कितनी ज़मीन की आवश्यकता होगी। रिलायंस पेट्रोल पंप डीलरशिप के लिए शहरों के लिए 800 से लेकर 1200 वर्ग मीटर ज़मीन चाहिए, लेकिन यदि आप ज़मीन लीज पे लेते हैं तो उसके कुछ अलग नियम होते हैं। पेट्रोल पंप शुरू करने के लिए भूमि को समतल करना पड़ेगा, उसके बाद में वहाँ पर पानी बिजली की सुविधा यहाँ पर होनी चाहिए, तो उसके साथ में अपन यहाँ पर पेट्रोल पंप की फ्रेंचाइजी लेके बिजनेस यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं। अभी यहाँ पे देखने वाले हैं कि रिलायंस ऑयल पेट्रोल पंप के अंदर प्रॉफिट मार्जिन कितना है। तो पेट्रोल और डीजल के ऊपर प्रॉफिट मार्जिन अलग अलग होता है। पेट्रोल के ऊपर 2.5 से लेकर 3 रुपये तक प्रॉफिट मार्जिन प्रति लीटर होता है और ऑयल के ऊपर 3 रुपये प्रति लीटर होता है। ये उनके कस्टमर केयर, रिलायंस पेट्रोल पंप कस्टमर केयर की वेबसाइट है, और इधर यहाँ पर आप जाके उसका पूरा फॉर्म भर के इस कंपनी के बारे में आप इंक्वायरी कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतने, आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा रहेगा। चैनल को एक बार